अब देखिए हमारे पास सवाल है एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर, अगर आपको फाइव गिवेन हो तो बताइए टू एक्स अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री की वैल्यू क्या होगी। ओके इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ऐसे सवाल जब भी रहते हैं आप इसको दो तीन तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्या है, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x इक्वल टू व्हाट, और उसमें पुट करके आप सॉल्व कर, ठीक है। अदरवाइज जो आपको गिवन है उस टर्म को आप लाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसको हम एक्स प्लस वन बाय एक्स के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉर्म में लाना चाहेंगे तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा देखिएगा, कैसे हम लोग लाते हैं इस फॉर्म में वो देखेंगे। तब देखिए हमारे पास ऊपर में टू एक्स का टर्म है, टू एक्स का टर्म रहने दीजिए, नीचे हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो हम एक एक्स कॉमन निकाल रहे हैं। देखिएगा थ्री एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, थ्री एक्स। ओके माइनस फाइव एक्स अगर निकालेंगे तो माइनस फाइव, और अगर थ्री से निकालना चाहेंगे चूंकि उसमें कोई टर्म है नहीं तो उसके अपोन में आ जाएगा एक्स का टर्म। देखिएगा इतना अगर क्लियर हो रहा हो आप लोगों को, तो हमारे पास क्या हो गया सर, ये टर्म बन के आया कुछ इस तरह का, टू एक्स अपोन एक्स रहने दीजिए। देखिए थ्री एक्स और वो लास्ट वाला थ्री को अगर हम एक साथ लेके आए तो दोनों में थ्री कॉमन आ रहा है, तो निकाल लेते हैं एक बार, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स और माइनस फाइव को आखिर में रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, हमारे पास सर ऊपर से और नीचे से दोनों से एक्स का टर्म कट रहा है तो आप काट दीजिए उसे। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास जो गिवन है तो गिवन क्या है एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो आप पुट कीजिएगा टू अपॉन थ्री, अब इसके इनटू में क्या चला जाएगा, यहाँ पे फाइव आ जाएगा माइनस का फाइव, पंद्रह में से पाँच गया दस तो टू अपॉन टेन, तो ये यहाँ से कटेगा फाइव टाइम्स, आंसर आएगा वन अपॉन फाइव। तो आपको वो टर्म लाना पड़ेगा एक्स प्लस वन बाय एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ओके okay?